तो इस वीडियो में मैं पहली बार आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ कास्टिंग डायरेक्टर का, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं जा रही हूँ मुकेश छाबरा फॉर ओपन इंट्रोडक्शंस। तो जैसे कि आपने कल उनका स्टोरी देखा होगा कि एक नई मूवी आ रही है जिनकी कास्टिंग उन्होंने शुरू कर दी है, और उसी के बाद उन्होंने एक पोस्ट मेंशन किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ओपन इंट्रोडक्शंस आज 21 फेब को होने वाला है। तो मैं वही आई हूँ और लेकर चलती हूँ आपको ओपन इंट्रोडक्शंस के यहाँ पर। ये देखो कौन मिला है मुझे। बस पीछे ही नहीं छोड़ता है मेरा ये। तो अब चलते हैं हम ऑडिशन देने। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, मुझे देखकर ही टेंशन आ गया कि दो दो लाइन है, अब कैसे कब नंबर आएगा। देखो मुझे कौन मिला, ये मेरे थिएटर में था। नाम बता दो अपना। फिरोज खान। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इंट्रो देने आई ओपन इंट्रोडक्शंस और अंदर जाते ही कंप्लीट हो गया। मतलब ये तो जल्दी कैसे ले लिया तेरा, लड़की हूँ ना मैं आखिर। तो लड़की तो और भी है, मैं 9:30 बजे नाम लिखा के गया तब जाके मेरा लिया है। हाँ 9:30 बजे आया। 9:30 बजे मैं नाम लिखा के गया, बीच पे आया था ना, तब मैं 9:30 बजे नाम लिखा के चला गया था। अरे अरे बताओ, मैं इतने 3 घंटे से आई हूँ, मतलब 3 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ और आते ही शुक्र कर जल्दी हो गया। आते ही हो गया, बेचारे थे कैसे लाइन में लगे। हाँ यार। तो अगर आपने मेरा पहले वाला ओपन इंट्रोडक्शंस का वीडियो देखा होगा, जिसका मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पर, तो वो भी मुकेश छाबरा का ही था। और वहाँ पे तब ओपन ऑडिशन स्टार्ट हुए थे और उस वक्त का आपको क्राउड देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो लाइक कोरोना के बाद का सीन था, इसलिए एक एक लोगों की ही एंट्री हो रही थी, या मतलब एक साथ सिर्फ 4 लोगों को बुलाया जा रहा था जिनका अलग अलग लोग ऑडिशन ले रहे थे। बट इस बार ऐसा नहीं था, 11 बजे का टाइमिंग था, मैं पहुंची थी 11:40 को पहुंची थी। तो मुझे लगा बहुत भीड़ होगा, पता नहीं कितने देर लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद बॉयज़ की अलग लाइन थी एंड गर्ल्स की तो कोई लाइन ही नहीं थी। तो मतलब उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि गर्ल्स के लिए अलग लाइन है, मतलब वो जा सकती हैं ऐसे, क्योंकि बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे। और इस बार उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर भी ऑडिशंस लिए, तो बहुत सारे ऐसे कमरे थे जहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे। तो एक बार में मतलब कम से कम 6-7 लोगों का ऑडिशन एक साथ ही चल रहा था, तो इससे बहुत टाइम सेव हुआ। मतलब ऐसा हुआ कि मैं 3 आवर्स ट्रैवल करके आई और फिर तुरंत चले गए, तुरंत बाहर भी आ गए, मतलब पता ही नहीं चला कि ऑडिशंस कब ख़त्म हो गए। तो ऐसा था ऑडिशन। मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिशंस या ओपन इंट्रोडक्शंस में क्या क्या पूछते हैं। जैसे कि हमें खुद से कुछ नहीं बोलना होता है, वो जितना पूछेंगे हमें उतना ही जवाब देना होता है। तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि आपका नाम, एज, हाइट, उसके बाद आप कहाँ से हो, देन लैंग्वेज इज नोन, और फिर कुछ एक्सपीरियंस है क्या आपका, आपने कुछ काम किया है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये चीज़ें हैं जो वो पूछते हैं, एंड जब वो पूछेंगे आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना है, तो टेंशन की कोई बात नहीं होती है एंड आप इजीली जाके अपना इंट्रो देकर आ सकते हो। एंड इसके बाद अगर कोई भी उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है और उसमें अगर आपका लुक फिट होता है तो वो सामने से आपको कॉन्टैक्ट करके बुला लेंगे ऑडिशंस के लिए तब। तो अब मुकेश छाबरा के यहाँ से हमारा काम हो चुका है, तो अभी यहाँ पे जो बाकी कास्टिंग ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम विजिट करने जा रहे हैं आराम नगर में। तो ये पहला है कास्टिंग, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब हम दूसरी जगह पे आए हैं, ये भी सब आराम नगर के ही है, ये है अविनाश शर्मा कास्टिंग, और ये नंबर है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आराम से निकाल सकते हैं, नंबर सेव कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं गई एंटी कास्टिंग, और यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं दिया, बट हाँ मेल आईडी दे दिया है कि यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकते हो। इसके बाद हम गए कास्ट क्यू, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बाकी एक्टर्स आते हैं वो इस तरीके से फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि ऐसे ओपन ऑडिशंस नहीं चल रहे होते हैं, इसीलिए हमें बाहर से ऐसे फ़ोटो लेके जाना पड़ता है। बेस्ट है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेज को ऑनलाइन फॉलो करो, वहाँ पर कुछ जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। फिर हम गए के रोल, और यहाँ पर भी कुछ खास नहीं था, तो मेल आईडी दे दिया गया था। तो जो भी एक्टर्स हैं, फ्रेशर एक्टर्स हैं, तो आपको ऐसे जगह जगह जाकर नंबर निकालने पड़ेंगे, तभी आप प्रोफाइल सेंड कर पाओगे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।